Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are happy and safe. आज हम बनाएंगे popular street food रगड़ा पेटीज. Before starting the recipe, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, फिर ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. रेसिपी शुरू करते हैं. एक कुकर में लेंगे हाफ कप भिगोए हुए वाइट वटाना और 1.5 कप जितना पानी. मैंने वटाना को पानी में 6 घंटे के लिए भिगो दिया था. अगर आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो. 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर. वटाने बिल्कुल गल जाए तब तक इसकी सीटी लगानी है. ये अराउंड 6 से 7 विसल में पक जाएंगे. अब बनाएंगे रगड़ा ग्रेवी. एक कढ़ाई में लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल. ऑयल गर्म हो जाए फिर उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज. इसको हल्का सा सौते कर लेंगे. फिर उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मिर्ची की पेस्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. जिंजर गार्लिक की कच्ची स्मेल चली जाए तब तक इसे रोस्ट करेंगे. फिर ऐड करेंगे 1/2 कप चॉप टोमेटोस, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला. सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब ऐड करेंगे बॉइल्ड वटाना और 1 ग्लास गरम पानी. अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 बॉइल्ड आलू. इससे रगड़ा थिक और क्रीमी बनेगा. आलू को मैश करके ऐड करेंगे. फिर ऐड करेंगे 1 टीस्पून इमली का पल्प. अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अराउंड स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे. रगड़ा बॉईल हो रहा है तब तक हम आलू टिक्की बना लेते हैं. एक बाउल में लेंगे 3 मीडियम साइज बॉइल्ड आलू. इसे मैश कर लेंगे. फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक मिर्ची की पेस्ट, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/4 टीस्पून चाट मसाला. फिर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून रोस्टेड पोहा पाउडर. मैंने 2 टेबलस्पून पोहे को स्लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है. फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है. पोहा आलू टिक्की में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसे सोक कर लेगा. फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स. अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 4 टेबलस्पून पोहा डाल दें. 2 टेबलस्पून चॉप्ड हरा धनिया. इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फिर हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि आलू का मसाला हाथों पे चिपक ना जाए. थोड़ा सा आलू मसाला लेंगे और इसे हाथों से राउंड टिक्की का शेप दे देंगे. फिर टिक्की को कॉर्नफ्लोर में कोट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर होगा उसे निकाल देंगे. इस तरह से हम बाकी के मसाले की भी टिक्की बना लेंगे. आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटी बड़ी टिक्की की साइज कर सकते हो. 3 मीडियम साइज आलू में से 10 से 11 टिक्की बनेगी. आप देख सकते हो हमारा रगड़ा भी बॉईल होकर थिक एंड क्रीमी हो गया है. अब फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश चॉप्ड हरा धनिया. अब आलू टिक्की को रोस्ट कर लेते हैं. एक तवा लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल. ऑयल गर्म हो जाए फिर आलू टिक्की को इस पर अरेंज कर देंगे. टिक्की को मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से क्रिस्पी ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे. ये बन गए हमारी क्रिस्पी आलू टिक्की. अब रगड़ा पेटीज को सर्व करेंगे. एक प्लेट में लेंगे आलू टिक्की, ऊपर से डालेंगे गर्मा गर्म चटपटा रगड़ा, 1 चम्मच ग्रीन मिंट चटनी, 2 चम्मच इमली की चटनी,
थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन, मसाला पीनट्स, अनारदाना, सेव और थोड़ा सा हरा धनिया। ये बन गई हमारी पॉपुलर स्ट्रीट फूड रगड़ा पेटीज। ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।